हाय गाइस, वीएससी नर्सिंग का नंबर वन चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर वीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए सौर हीटरों में, ऑप्शन बी माइक्रो ओवनों में, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटरों में, ये ऑप्शन डी धुलाई मशीनों में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज़्यादातर रेफ्रिजरेटरों में होता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? गामा किरण से, एक्स या एक्सरे से, या अल्फा किरणों से, या बीटा किरणों से? तो अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों से होता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में भी सबसे ज़्यादा होती है। सो अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों की वजह से होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी या कांच? तो कांच एक अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड? शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है शीशे के संचयन वाले सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच की कौन सा कोण होता है? अक्षांश, दिगंश या नमन कोण या समक्रांतिक? तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण नमन कोण होता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को नमन कोण कहा जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है या अपरिवर्तित रहता है? तो किसी अर्धचालक को यदि गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या उपयुक्त सभी? तो जब किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कम होने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, ऑल्टीमीटर, वैक्यूरीमीटर या सोनार? तो सोनार का उपयोग समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या यथावत रहेगी? तो जब कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति यथावत रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? वैद्युत जनरेटर बनाने के लिए, वैद्युत वाट मापी बनाने के लिए या वैद्युत मोटर बनाने के लिए या वैद्युत चुंबक
बनाने के लिए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। यह सिद्धांत का उपयोग वैद्युत मोटर बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? रबर की शील्ड, लोहे की शील्ड, कांच की शील्ड या पीतल की शील्ड? तो उपकरणों को रबर की शील्ड से घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव, अतिरिक्त ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव या इनमें से कोई नहीं? तो यदि किसी चुंबक में तीसरा ध्रुव हो तो वह तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है क्योंकि वे ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं या ऊनी कपड़े के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा एक चौथाई, चार गुना, आधा या दोगुना? तो जब तांबे के तार को दोगुना बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह चार गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं संधारित, प्रेरक, ट्रांजिस्टर या परिणामित्र? तो वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए संधारित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? धारिता, प्रतिरोध, डायोड या प्रेरकत्व? तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ डीसी को ब्लॉक करने के लिए धारिता, परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टैप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? चुंबक, घड़ी, रेडियो या बिजली का स्विच बोर्ड? तो टैप रिकॉर्डर को चुंबक के समीप नहीं रखा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है मीटर बाय एम्पियर, मीटर बाय वोल्ट, वोल्ट बाय धारा या एम्पियर बाय मीटर? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर एम्पियर बाय मीटर होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है रासायनिक ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में? तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ताम्र, एल्यूमिनियम, रजत या सिलिकॉन? तो ट्रांजिस्टर के संविचरण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।